नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ पाथवेज टू पर्पस ऑल इंडिया टू 2023 में। अभी हम हैं करंटली त्रिवेंद्रम। कल हम यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गए थे और हम 7:30 बजे के अराउंड फ्री हो गए थे वहाँ से। उसके बाद हमने रेस्ट किया एंड अभी हम निकल पड़े हैं वर्कला की तरफ। तो वर्कला यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स दूर है, यानी 1.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ से बस स्टैंड जा रहे हैं, बस से फिर वर्कला जाएंगे। वर्कला में हमने हॉस्टल बुक किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते हैं हॉस्टल में रह के कैसा रहता है पूरा, क्योंकि आज तक कभी स्टे नहीं किया है हॉस्टल में। और 375 रुपीज़ का हॉस्टल हुआ है एक दिन का। तो अगर अच्छा लगा और वर्कला अच्छा लगा तो और भी दिन रुकेंगे वहाँ पर। ठीक है, चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो होपफुली 2 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। सो गाइस, भले ही 45 किलोमीटर का रास्ता हो लेकिन तो भी डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। अभी हम कल्लावलम जा रहे हैं, वहाँ से ये कनेक्टिंग बस है, फिर वहाँ से डायरेक्ट बस मिलेगी हमें। तो शायद हमारी किस्मत में यही है, कोई बात नहीं, पहुँचेंगे अच्छे से। पहुंच गए हम वर्कला और जगह बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ है कि 4 किलोमीटर दूर है हमारा स्टे यहाँ से, तो अभी लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा हमको। अभी तो वॉक ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिफ्ट का उतना ज़्यादा कोई स्कोप लग नहीं रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा, मिलेगा लिफ्ट हमको, पहुँचेंगे अच्छे से। अब इतना ज़्यादा भारी लगता भी नहीं है ये रक्सा, स्टार्टिंग में बहुत भारी भारी लगता था। और एक्चुअली मैं इस हंसी के पीछे एक बहुत बड़े गम को छुपा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही उतरना था और बस से मैं कंटिन्यू करता करता आ गया हूँ यहाँ पे बस में बैठ के, तभी इसीलिए 4 किलोमीटर हो गए। तो कोई बात नहीं, अब इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। सो हम चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके निकल चुके हैं मेन बीच की तरफ और अभी हम हैं ब्लैक बीच पे। देखिए यहाँ से भी जैसे यहाँ पे ये छोटा सा मार्केट पड़ रहा है रास्ते में। जो ब्लैक बीच को मेन बीच से कनेक्ट कर रहा है। पहुंच चुके हैं हम लोग मेन सी में और इतना अच्छा मज़ा आ रहा है। वॉक कर रहे हैं अभी जस्ट बीच पे, थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है। अच्छो ही हो रहा हूँ। ये जो ऊपर से आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हम आए हैं, ये पूरा रास्ता ऐसे जाता है, ये पूरा बीच है। गाइस बारिश हो गई है शुरू, हमको जाना पड़ेगा अभी किसी शेड के नीचे या फिर किसी शैक पे, लेट्स सी, क्योंकि एकदम से कह रहे हैं कि यहाँ पे हाई टाइड जाने का भी डर है, तो सबको यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं कि पूरा एरिया। तो बीच विज़िट हमारा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं जिस मेन टेंपल को हम विज़िट करने आए थे, यानी कि जनार्दन स्वामी टेंपल विज़िट करने जा रहे हैं। इस ब्यूटीफुल रास्ते पे हम वॉक कर रहे हैं, अभी 2.5 किलोमीटर्स दूर है, मेरे हॉस्टल से 3.5 था, 1 किलोमीटर ऑलरेडी हम आ चुके हैं। लिफ्ट लेने का मन नहीं कर रहा है, आराम से हम चलते जा रहे हैं। Oh.
अब कुछ फैक्ट्स टेंपल के बारे में। सो बेसिकली टेंपल में यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए थे। ये टेंपल जो है पूरा जो यहीं से 100 meters दूर नदी है, पूरा उस नदी में बह गया था। फिर किंग पांडन वो आए, उन्होंने इस टेंपल को रिकंस्ट्रक्ट किया था। और बात करें तो ये जो टेंपल है बेसिकली जो हमारा पितृदोष होता है और जो हमारे पाप रहते हैं उनसे हमें मोक्ष करवाता है। तो जो किंग पांडन थे उन्होंने यहाँ पे पूजा की थी क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या दोष था। तो उन्होंने जब यहाँ पे पूजा की थी तब जाके उनका वो मोक्ष मिला था उनको। सो ये जो राग अभी आपने सुना ये कोई आम राग नहीं था, ये बेसिकली जिन लोगों को सर्प दोष होता है ये उनके लिए था। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले ये अपना आपका नाम पूछेंगे आपसे, उसके बाद ये जो आपका नाम है वो उस राग में लिया जाएगा तो उससे वो सर्प दोष हटाया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैं अभी किस लोकेशन पर बैठा हूँ। सो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया है बिकॉज़ मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आज एक्चुअली में हुआ है। मैं जब ये जर्नी स्टार्ट करने वाला था तो मुझे सिर्फ एक ही गोल था कि एक तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, एनलाइटन होना है लाइफ में और वो सब अचीव करना है जो मैं हमेशा से सोचता हूँ। तो उसमें से मैं हमेशा जब ये सारी चीज़ें पढ़ता था बिकॉज़ मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ूँगा जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा वही सब चीज़ें मेरे काम आएंगी। तो मैं पढ़ता था एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बैलेंसिंग योर चक्रास और क्लेंजिंग ऑफ योर चक्रास। तो मैं हमेशा से सोचता था कि सबको इस चीज़ की नीड है, इवन मुझे भी इस चीज़ की नीड है क्योंकि इतना आज तक लाइफ में हुआ है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स ये सब चीज़ों ने हमें किस तरीके से इम्पैक्ट किया है हमें नहीं पता है। तो अभी मैं जब वर्कला आया था तो यहाँ पे एक ब्लिस हीलिंग सेंटर करके मुझे मिला था कल एंड मैं सारी इन्फॉर्मेशन उनसे पूछ के गया। आज मैं सुबह सुबह आया यहाँ पे, पहले मैंने मेडिटेशन किया मेरा अपना मंत्रा मेडिटेशन, उसके बाद मैं यहाँ पे आया सेंटर में और अप्रॉक्सीमेटली एक घंटा यहाँ पे वो पूरा थेरेपी सेशन चला। एंड वो करने के बाद मुझे इतना रिलैक्स्ड इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। मतलब बहुत ही रिलैक्स, मेरा उठने का ही मन नहीं कर रहा था, आंखें खोलने का ही मन नहीं कर रहा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार ये ज़रूर थेरेपी करवा लें, बेसिकली क्लेंजिंग योर चक्रास। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी में नेगेटिविटीज़ आज तक पास करी हैं या जो भी मतलब चीज़ों ने हमारी बॉडी की एनर्जीज़ को हैम्पर किया है तो वो सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी और हमारी पूरी जो एनर्जी चैनल्स हैं वो क्लेंज हो जाएंगे और हम एकदम
अच्छा फ्रेश और एकदम बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। ये पूरा सेंटर है, आप लोग भी यहाँ पे आके करवा सकते हैं। सो बेसिकली एवरीबडी हेयर इज़ चार्जिंग अराउंड 3500-4000 रुपीज़ फॉर दिस, बट मैंने उन्हें बताया अपना जो मेरा एम है और जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं किस पर्पस से आया हूँ, तो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी एंड ही डिड इट फॉर 700 रुपीज़। उन्होंने पाम रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग भी करी, जिसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, बट स्टिल मैंने उन्हें, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें करवाते हैं तो वी नीड टू पे देम समथिंग, तो मैंने 100 रुपीज़ दिया, तो इन 800 रुपीज़ ये सब कंप्लीट हुआ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वो जगह कैसी है। देखिए दिस इज केरला, और वो रहा मेरा हॉस्टल।